Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. ओंटारियो हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले शोबों की मदद का सिलसिला जारी, छोटे कारोबारों और आर्ट सेक्टर की मदद की जाएगी। कोर्ट कहते हैं छोटे कारोबार सूबे की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। टोरंटो के शहरी गर्म मौसम के लिए तैयार हो जाएं, माहिरीन मौसमियात का कहना है कि शहर में आने वाले दिन गर्म होंगे, शहरी अचानक गर्म मौसम का सामना करेंगे। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के 966 नए केसेस रिपोर्ट, हुकाम का वैक्सीन की दूसरी खुराक का दौरानिया बढ़ाने पर गौर। टोरंटो में 350 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी, मरीजों की मजमू तादाद 872,747 तक जा पहुंची, हलाकते 22,045 हो गई। कोरोना वायरस से दुनिया में 11,52,00,000 से ज्यादा मुतासर, मरने वालों की तादाद 25,60,620 हो गई है, सेहतियाब होने वालों की तादाद 9,11,17,000 से ज्यादा है। अजय देवगन को मुश्ताक सिंह ने घेर लिया, बदतमीजी भी की, एहतजाजी किसान मुसलसल वीडियो बनाता रहा, गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे अजय देवगन इस्तेराब का शिकार रहे। बॉलीवुड में फिर से नकल, भारतीय अदाकार शदीद तनकीद की जद में, टाइगर श्रॉफ की नई फिल्म का पोस्टर हॉलीवुड फिल्म की कॉपी निकला, टाइगर श्रॉफ ने अपनी सालगिरह के मौके पर हीरोपंती 2 का पोस्टर जारी किया था। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला, आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट, लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। ओंटारियो की हुकूमत की जानिब से सूबे में छोटे कारोबारों की मदद का ऐलान किया गया है जो कोरोना के सबब लगने वाली पाबंदियों से मुतासिर हुए थे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो की हुकूमत की जानिब से सूबे में छोटे कारोबारों की मदद का ऐलान किया गया है जो कोरोना के सबब लगने वाली पाबंदियों से मुतासिर हुए थे। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि हम कोविड से मुतासिरा 78,000 बिजनेस को $1 बिलियन से ज्यादा फंड फराहम कर रहे हैं। छोटे कारोबार सूबे की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत इन छोटे कारोबारों की मदद का सिलसिला जारी रखेगी। इस हवाले से एक वेबसाइट भी अमल में आई है जिसके जरिए छोटे कारोबार करने वालों के लिए फंड्स फराहम किया जा रहा है। कारोबारों का कम अज कम ग्रांट $10,000 और ज्यादा से ज्यादा $20,000 तक दी जाएगी, जिसे मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी से लेकर किराया अदा करने और दीगर कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने आर्ट सेक्टर की मदद के लिए $25 मिलियन की सरमायाकारी का फैसला किया है जिसके जरिए इस शोबे से वाबस्ता फनकारों और इदारों की मदद की जाएगी। टोरंटो में शहरियों को आने वाले दिनों में गर्म मौसम का सामना करना पड़ सकता है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि टोरंटो के शहरी अचानक गर्म मौसम महसूस करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। टोरंटो में शहरियों को आने वाले दिनों में गर्म मौसम का सामना करना पड़ सकता है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि टोरंटो के शहरी अचानक गर्म मौसम महसूस करेंगे। माहिरीन का कहना है कि ऐसा लगता है मौसम बहार आने वाला है और टोरंटो में आने वाले दिन गर्म होंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि शहर में हल्की बारिश का इम्कान है जबकि दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। आने वाले 7 दिनों में शहर में धूप का राज रहेगा जबकि पीर 8 मार्च गर्म तरीन दिन होगा जब दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से भी कहा गया है कि इस गर्म मौसम के बाद शहरियों को एक बार फिर सर्द मौसम का सामना करना पड़ेगा जबकि
आने वाले मौसम बहार में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि ओंटारियो में इस साल बहार का मौसम मामूल की निस्बत ज्यादा गर्म होगा, जबकि कनाडा भर में बारिशें और शदीद गर्मी मुतवक्के है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के 966 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस में इजाफे की वजह वैक्सीन की फराहमी में ताखीर को करार दिया जा रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के 966 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस में इजाफे की वजह वैक्सीन की फराहमी में ताखीर को करार दिया जा रहा है, जबकि माहिरीन की जानिब से इस बात पर बहस जारी है कि वैक्सीन की दूसरी खुराक के दौरानिये को बढ़ाकर वैक्सीनेशन के अमल को तेज किया जा सकता है, जिसके सबब शहरियों को वैक्सीन की पहली खुराक जल्द मौसूल हो जाएगी। टोरंटो की मेडिकल हेल्थ ऑफिसर की जानिब से कहा गया है कि टोरंटो के तमाम शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इस सिलसिले में वसी पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक शहर में 350 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जबकि इनमें से 9 सेंटर 1 अप्रैल से काम का आगाज कर देंगे। हुकाम का कहना है कि इस बारे में कोई टाइम शेड्यूल नहीं दिया गया है, ताहम इसका इन्हिसार वैक्सीन की बरवक्त फराहमी पर है। टोरंटो के डॉन पार्क पब्लिक स्कूल में कोरोना वायरस की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद पब्लिक हेल्थ कनाडा ने स्कूल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। हुकाम का कहना है कि तश्वीश की बात यह है कि स्कूल में 4 केस कोरोना वारियंट के भी हैं, जो ज्यादा खतरनाक किस्म से ताल्लुक रखता है। हुकाम ने तमाम स्टाफ और तालिबे इल्मों को अगली हिदायत तक घरों पर रहने का हुक्म दिया है। कनाडा में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस सूबे ओंटारियो में सामने आए हैं, जहां कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 3,02,805 तक जा पहुंची। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमू तादाद 8,72,747 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 22,045 हो गईं, जबकि 8,20,450 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 3,02,805 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,997 है। क्यूबेक में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 2,88,941 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,407 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,34,052 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,890 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 81,367 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,365 है। हाल ही में होने वाली एक नई तिबी तहकीक में ये बात सामने आई है कि ब्राज़ील में दरियाफ्त होने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म पुरानी अकसाम के मुकाबले में ज्यादा मुतादी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नीदरलैंड में कोरोना टेस्ट के मरकज में जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड के शुमाली इलाके में वाकया कोरोना के टेस्ट के लिए कायम किए गए तिबी मरकज में जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में खिड़की और दरवाजों के शीशे टूट गए। नीदरलैंड के सूबे शुमाली हॉलैंड की पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि धमाके की जगह से धाती टुकड़े मिले हैं। धमाका दहशतगर्दी का वाकया लगता है, जिसका मकसद शहरियों को खौफजदा करना था। कोरोना वायरस की नई इकसाम सामने आ रही हैं और ये ख्याल किया जा रहा है कि नई इकसाम पुरानी किस्म से मुख्तलिफ और ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं। हाल ही में होने वाली एक नई तिबी तहकीक में ये बात सामने आई है कि ब्राज़ील में दरियाफ्त होने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म पुरानी इकसाम के मुकाबले में ज्यादा मुतादी है। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 11,52,99,000 से ज्यादा अफराद मुतासर और मरने वालों की तादाद 25,60,602 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,11,17,000 से ज्यादा और फाल केसेस की तादाद 2,16,00,000 से ज्यादा है। अमरीका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,29,214 तक पहुंच गई है, जबकि 2,93,70,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। भारत में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,11,39,000 से ज्यादा है और 1,57,385 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। रूस में 42,68,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं और अमवात की मजमू तादाद 86,896 है। बरतानिया में 41,88,000 से ज्यादा अफराद मुतासर
متاثر ہیں اور 1,23,296 اموات ہو چکی ہیں۔ فرانس میں 37,83,000 سے زائد افراد متاثر اور 87,220 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسپین میں 31,30,184 افراد متاثر اور 69,801 اموات ہوئی ہیں۔ اٹلی میں بھی 29,55,000 سے زائد افراد متاثر ہیں جبکہ 98,288 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 28,706 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 27,23,316 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 42 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,505 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,78,202 تک جا پہنچی ہے۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسان سراپا احتجاج ہیں جبکہ اس حوالے سے اب بھی بھارت میں بحث جاری ہے۔ بالی ووڈ اداکار اجے دیوگن کو کسان احتجاج کی حمایت نہ کرنے پر مشتعل سکھ نے گھیر کر خوب بدتمیزی کی، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالی ووڈ اداکار اجے دیوگن کو کسان احتجاج کی حمایت نہ کرنے پر مشتعل سکھ نے گھیر کر خوب بدتمیزی کی۔ بھارتی میڈیا رپورٹ سے مطابق کسان احتجاج کے حمایتی سکھ شہری نے اجے دیوگن کی گاڑی ممبئی کے فلم سٹی کے گیٹ پر روکی اور بھرپور احتجاج کیا۔ اس دوران احتجاجی کسان مسلسل ویڈیو بناتا رہا جبکہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اجے دیوگن اضطراب کا شکار رہے۔ ویڈیو بناتے ہوئے اجے دیوگن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے احتجاج کرنے والے شخص نے کہا کہ یہ پنجاب کے خلاف اور دشمن ہیں، یہ دیکھو جسے شرم ہی نہیں۔ احتجاج کرنے والے شخص کی شناخت راجدیپ سنگھ کے نام سے ہوئی ہے جس کا تعلق بھی بھارتی پنجاب سے ہے۔ اس شخص نے 15 منٹ تک اجے دیوگن کو فلم سٹی کے گیٹ پر روکا رکھا۔ اداکار اجے دیوگن کے سیکیورٹی گارڈ کی درخواست پر سکھ نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا۔ واضح رہے کہ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسان سراپا احتجاج ہیں جبکہ اس حوالے سے اب بھی بھارت میں بحث جاری ہے۔ ہالی ووڈ فلم سیریز ہٹ مین کا چربا کر کے فلم ہیرو پنتی کا پوسٹر تیار کروا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرنا اداکار ٹائیگر شروف کو مہنگا پڑ گیا، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہالی ووڈ فلم سیریز ہٹ مین کا چربا کر کے فلم ہیرو پنتی کا پوسٹر تیار کروا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرنا اداکار ٹائیگر شروف کو مہنگا پڑ گیا۔ بالی ووڈ فلم انڈسٹری کا ہالی ووڈ فلموں گانوں کی کاپی کرانا پرانا کام ہے۔ بالی ووڈ نے ایک مرتبہ پھر ہالی ووڈ کی کاپی کر کے خود کو ہدف تنقید بنوا لیا۔ اس مرتبہ اداکار ٹائیگر شروف کو 31 سالگرہ پر مداحوں کی جانب سے تنقید کا تحفہ دیا گیا، جس کی بڑی وجہ ٹویٹر پر فلم ہیرو پنتی 2 کا جاری کردہ پوسٹر بنا، جو اصل میں بالی ووڈ فلم سیریز ہٹ مین اور ویڈیو گیم سیریز کی کاپی ہے۔ ٹائیگر شروف نے اپنی 31 سالگرہ پر فلم ہیرو پنتی 2 کا پوسٹر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا، جس میں بالی ووڈ اداکار ہٹ مین کے ایجنٹ 47 کی مانند لباس زیب تنگ کیے ہوئے ہیں اور بالکل اسی کی طرح ہاتھوں میں 2 پستول بھی تھامی ہوئی ہے۔ ہالی ووڈ پوسٹر کا چربا کرنے پر ٹائیگر شروف اور بالی ووڈ انڈسٹری کو مداحوں اور صارفین کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔ ڈیلی کینیڈین نیوز بلٹن ان ہندی اینڈ اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی۔ ٹیک ٹی وی اپڈیٹس یو اباؤٹ کورونا سچویشن ان کینیڈا اینڈ اراؤنڈ دا گلوب۔